Hey guys, welcome back to my channel. So here I am with this beautiful vlog. We are going to Selani Jungle Resort, जो कि एक मध्य प्रदेश टूरिज्म का रिसॉर्ट है एंड इट्स नियर इंदौर. इट्स ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम इंदौर. बहुत ही ब्यूटिफुल रास्ता है, वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है. सो वी आर इन्जॉइंग द वे ऑल्सो और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो जो रिसॉर्ट है, हमें वो रिवर को क्रॉस करके इट्स ऑन द अदर साइड और फॉरेस्ट में है पूरा रिसॉर्ट. सो आई एम सो एक्साइटेड टू सी द रिसॉर्ट. सो लेट्स गो एंड एन्जॉय दिस व्लॉग. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को इस वीकेंड गेट अवे के बारे में पता चल पाए. इवान भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है अपने थंब के साथ इस सीनरिक ब्यूटी को, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल वे है और पूरा लश ग्रीन हो रखा है अभी. सो आफ्टर हैविंग अ वंडरफुल journey, we have finally reached to our destination Selani Island Resort. और ये जो हमें एक बीच में, गाँव के बीच में से होते हुए जाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मडी रोड्स थी तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और हमें बहुत संभल के चलना पड़ रहा था बिकॉज ये फॉरेस्ट के बीच में से रास्ता जा रहा है एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मड है और रोड्स भी इतनी ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं है. बट हमें रिवर साइड जाना है तो इसी रोड से ही जाना पड़ेगा. सो आ चुके हैं हम रिवर साइड और यहाँ पर हमारी जो बोट है वो हमारा वेट कर रही है. सो यहाँ पर जो है, हमने इसे ऑनलाइन बुक किया था तो ये हमें ऑलमोस्ट 9000 रुपीज़ पड़ा पर नाइट. सो हम लोग सैटरडे को, हम लोग ऑलमोस्ट, हमें 4 o'clock हो गया था पहुँचते पहुँचते क्योंकि हम लोग ने रस्ते में इतनी मस्ती करी कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे. वैसे इसका चेक इन टाइम जो है वो 2 o'clock का है बट हम लोग 4 o'clock तक ही रिसॉर्ट पहुँच पाए थे. फाइनली वी हैव रीच योर, यहाँ से हमें मिलेगी हमारी बोट और ये बहुत ब्यूटीफुल सीनरिक ब्यूटी आप देख सकते हो. पूरी रिवर है और इसे पूरा क्रॉस करके हमको अदर साइड जाना है. सो आई एम रियली एक्साइटेड. अभी वेदर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड हो गया था. दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, प्लीजेंट लग रहा है बट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था इस टाइम पे. और आप देख सकते हैं ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, और ये रिवर को क्रॉस करके हमें जाना है. तब तक हमने सोचा कि ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करा लें. बट मुझे थोड़ा कुछ मिसिंग लगा, यहाँ पर कुछ भुट्टा की शॉप या कुछ होनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे भुट्टे खाने का बड़ा ही मन कर रहा था रिवर साइड पे. बट यहाँ पर कुछ भी नहीं था. इवन मैं आपको बता दूँ, आपको लगेज भी खुद ही रखना है बोट में. यहाँ से कोई भी नहीं था जो आपको हेल्प करने आ रहा वाला था, तो ज़्यादा लगेज आप मत लेके आइएगा, खुद ही लगेज आपको रखना पड़ेगा. सो वी हैव रीच्ड हियर एंड वेदर इज़ नॉट दैट फेवरेबल बट व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है. तो अभी बोट क्रॉस करके यहाँ से 4 to 5 minutes का वे है. सो लेट्स सी कि कैसा होता है रिसॉर्ट. अभी वेदर तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है. सो हमने अपना लगेज निकाला और हमारा जो कार है हमें यहीं पर पार्क करना था क्योंकि यही पार्किंग है इस सैलानी आइलैंड रिसॉर्ट की. एंड देन वी आर एंटरिंग द बोट. सारे बॉयज़ को ड्यूटी मिली थी लगेज रखने की क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी किड्स थे तो हमें उन्हें सेफली जो है बोट में रखना था. यू नो, इस एज के बच्चे बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका हम ध्यान रखें. तो बहुत ही अच्छी बोट भी काफ़ी अच्छी थी, लाइफ जैकेट भी थी सब में. तो हम लोगों ने बोट राइड 4 to 5 minutes की थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी बट हमने इन्जॉय किया. और ह्यूमिड वेदर था तो हवा भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम इसको. तो ये भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है जब हम सैलानी आइलैंड रिसॉर्ट आते हैं कि हमें बोट से पूरी ये ब्यूटी देखने को मिल जाती है. सो बोट में बैठने के बाद काफ़ी अच्छा फील आ गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतना हैवी रेनफॉल हो रहा था ना कि लाइक हमें लग रहा था, हमें थोड़ा डर भी लग रहा था एक्चुअली बोट में जाने में क्योंकि जो है भी सारी रिवर्स जो है वो बिल्कुल हाई पॉइंट पे है. तो काफ़ी सारी रील्स के लिए भी मैंने कंटेंट बनाया है अपना और अगर आप मेरी रील्स चेकआउट करना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं. मेरा यूज़र आईडी है sagrika_jain. सो यू कैन चेक लॉट ऑफ फैशन रील्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. सो आफ्टर 4 to 5 minutes फाइनली आप देख सकते हो वो जो भी बिल्डिंग दिख रही थी वही है सैलानी जंगल रिसॉर्ट. एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था दूर से देखने में और जैसे ही हमने एंटर किया हमें बहुत सारे स्वान दिखे जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे और वहाँ पे प्ले कर रहे थे. तो एंट्री ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी एंड इट वाज रियली ट्रीट वॉचिंग देम. एंड नाउ लेट्स एंटर द रिसॉर्ट कि रिसॉर्ट कैसा है आखिर अंदर से. Thank you.
एक्चुअली गर्मी ने ना हमें बहुत ज़्यादा थका दिया था, तो लाइक लगेज तो ऑब्वियसली हमने रिसेप्शन पे छोड़ दिया था ताकि वो हमारे रूम्स में पहुँच जाए, लेकिन स्टेयर्स बहुत सारे चढ़ने पड़े हमें लाइक रूम तक पहुँचने के लिए. एंड पहले तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए क्योंकि हमने सुबह से लंच नहीं किया था, तो हमने सबसे पहले लंच किया यहाँ पर. और लंच का मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि मुझे फूड यहाँ का थोड़ा एवरेज ही लगा. वैसे हमने थोड़ा लेट भी खाया था बट टेस्ट वाइज भी ये थोड़ा एवरेज ही लगा मुझे. तो हम लोगों ने लंच करके हम लोग फाइनली गए हमारे रूम में. हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे, ये गर्मी ने हमें बहुत थका दिया था. सो अब रूम में जाना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, तो थोड़ा सा रिसॉर्ट घूमते हुए और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे. सो हम लोगों ने 4 रूम्स बुक किए थे एंड 2 रूम्स जो है वो साथ में थे एंड देन अदर 2 रूम्स वो साथ में थे. तो इस तरीके से 4 रूम्स तो थोड़े से डिस्टेंस पे थे, ज़्यादा नहीं था. तो लाइक ये वाले रूम्स हमने ले लिए एंड थोड़ी सी मैंने अपनी रील का कंटेंट बनाया क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल ग्रीनरी है. लाइक इन्होंने ना रिवर का जो व्यू है वो पूरा ब्लॉक हो रखा है ग्रीनरी से, तो आपको रूम से इतना कुछ रिवर दिखती नहीं है. लेट्स एंटर द रूम. सो दिस रूम, तो मुझे रूम काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का, बहुत ज़्यादा स्पेशियस लगा. लेकिन जैसे ही मैं रूम में एंटर हुई मुझे 2 लिजार्ड्स दिख गए जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था. तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इन्हें थोड़ा मेंटेन करना चाहिए. बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो रही थी रूम में और लाइक इन्होंने ऐसा लग रहा था काफ़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं करी है रूम की. बट रूम स्पेशियस थे, सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ एक रूम में होनी चाहिए सारी थी. We are all set for evening walk, but it's raining outside. You can see heavy rains. Weather is really pleasing, but it's raining. Definitely, we can't go in this rain. But I'm loving watching this rain from here. Pura lush green ho raha hai. It's really beautiful. तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम कोई इवनिंग वॉक पे तो नहीं जा पाए एक्सप्लोर करने कुछ भी, लेकिन हमने बैठे बैठे ही चाय और पकोड़ों के मज़े लिए. और मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा था. बारिश की आवाज़ साथ में चाय पकोड़े, आपके सब करीबी फ्रेंड्स आपके साथ है, और क्या चाहिए लाइफ में. आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम. हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, चाय पी, बातें करी. गुड मॉर्निंग, वी आर ऑल सेट टू गो फॉर ब्रेकफास्ट. ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, सो लेट्स गो. गुड मॉर्निंग इवान, चलो 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 चलो, लेट्स गो. तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया जिसमें पोहा था, उपमा था, ब्रेड बटर टोस्ट था, और अच्छा था ब्रेकफास्ट, आई लाइक इट. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर किया. यहाँ पे छोटा सा एक प्ले एरिया बना था जिसमें हम बच्चों को लेकर गए और बच्चों ने खूब इंजॉय किया. इस ट्रैम्पोलिन पे भी काफ़ी खेले इवान और कियान, दोनों ने खूब मस्ती करी. एंड हम लोगों ने भी पूरा जो ग्रीनरी है पूरा इंजॉय किया रिसॉर्ट का, और मज़ा आया काफ़ी, खूब सारे पिक्चर्स क्लिक कराए. सो एक्चुअली अगर आप रेनी सीजन में आते हैं यहाँ पे तो इट्स अ ट्रीट बिकॉज बहुत अच्छा व्यू था. गाइस, वेदर इज रियली गुड एंड वी आर रियली हैविंग फन टाइम हियर विद फ्रेंड्स. एंड बहुत ही लाइक अभी कल बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था बट आज थोड़ा सा अच्छा वेदर है, थोड़ा सा कूल है, तो वी आर एंजॉयिंग दिस मॉर्निंग. यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल रिसॉर्ट. रिसॉर्ट जो है वो थोड़ा हाइट पर है इसमें, तो आप जब ऊपर जाते हैं तो आपको व्यू काफ़ी अच्छा आता है. अभी मैं आपको रिवर का भी पूरा व्यू दिखाऊंगी. डेफिनेटली रेनी सीजन पे आप ग्रीनरी इंजॉय कर सकते हैं लेकिन वेदर काफ़ी ह्यूमिड हो जाता है, तो मुझे लगता है जो विंटर टाइम होता है वो इस रिसॉर्ट के लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि व्यू भी काफ़ी अच्छा है और मौसम अच्छा रहेगा तो आप कहीं पे भी इंजॉय कर पाएंगे. तो हम लोग फिर घूमते घूमते यहाँ के रिसेप्शन पर आए और ये है यहाँ का रिसेप्शन जो कि ओके ओके लगा मुझे.
बहुत ज़्यादा ये भी कोई वेल मेंटेन नहीं था। और यहाँ से हमें देखेगा पूरा रिवर का व्यू एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पर यू कैन क्लिक पिक्चर्स, मेक रील्स, मेक वीडियोस। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और अच्छा लग रहा था यहाँ से काफ़ी व्यू। और फिर हम लोगों ने फिर से पिक्चर्स के लिए हम लोग ने एक स्पॉट ढूंढे और ये है हमारा जो रूम है जहाँ पर हम रुके हैं उसका बाहर से व्यू कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी ब्यूटीफुल था। सो नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू द सेलानी टापू जंगल रिसोर्ट। इट वाज अ गुड स्टे हियर बट आई थिंक दे नीड टू इम्प्रूव सो मेनी थिंग्स बिकॉज मेंटेनेंस वाइज इट्स रियली एवरेज। मुझे ये ठीक लगा स्टे। प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल, रिवर साइड है, पूरा लश ग्रीन है, एवरीथिंग इज़ गुड। बट मुझे लगता है मेंटेनेंस इनको थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए। इनको अपने फूड पे भी बहुत सारा काम करना चाहिए बिकॉज फूड इज़ लाइक वेरी एवरेज काइंड ऑफ फूड। लाइक मुझे इतना पसंद नहीं है इनका फूड भी, बट प्लेस इज़ गुड। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो ठंड में यहाँ पर आएँ तो वेदर अच्छा रहेगा, तो आप लोग ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। हमें थोड़ा ह्यूमिड वेदर मिला, वैसे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो रही है बिकॉज रेनी सीजन है। बट वेदर वाइज भी मैं इसे बहुत कम मार्किंग दूंगी क्योंकि बहुत ह्यूमिड वेदर था यहाँ पर। सो आफ्टर हैविंग फन टाइम विद फ्रेंड्स इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द सेलानी जंगल रिसॉर्ट। जो हमारा स्टे बहुत ही शॉर्ट था, स्वीट था, तो वीकेंड गेट अवे के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है नियर इंदौर। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं विद फ्रेंड्स एंड फैमिली तो डेफिनेटली आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि इट्स अ फन एक्सपीरियंस। थोड़ा सा मैंने जैसे कि कहा इनको थोड़ा मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए, बट एक्चुअली जब चीज़ें इतनी दूर हो जाती है, जंगल साइड हो जाती है, तो चीज़ें अवेलेबल होना भी शायद मुश्किल हो जाता होगा एंड स्टाफ मिलना भी शायद इनको मुश्किल होता होगा, इस वजह से ये लोग इतना मेंटेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा प्ले जोन भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे पूल टेबल है, दे हैव टेबल टेनिस, दे हैव कैरम, तो वो भी हमने थोड़ी देर इन्जॉय किया। एंड देन इट्स टाइम टू गो टू अवर बोट एंड फिर से हम अपनी कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे। एंड उसके बाद हमारा आगे भी कुछ प्लान है, उसके लिए आप बने रहिए मेरे व्लॉग पर। समटाइम्स ना डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी होती है, सो इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स, गुड फैमिली, तो आप कहीं भी जाएंगे तो इन्जॉय ही करेंगे। तो मैं इस सेलानी जंगल रिसॉर्ट को 10 में से दूंगी 6 पॉइंट, और 6 पॉइंट भी इसलिए क्योंकि मैं रिवर क्रॉस करके जो एक्सपीरियंस था दैट वॉज रियली फन, वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम और हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था, तो वो सब को देखते हुए मैं 6 पॉइंट दे रही हूँ। लाइक जो भी मैंने ऑर्डर किया रूम में बहुत ही जल्दी क्विकली आ गया था, एंड बस फूड और थोड़ा सा हाइजीन और साफ़ सफाई के चक्कर में मैं थोड़ी कुछ पॉइंट्स काट रही हूँ। तो सेलानी जंगल रिसॉर्ट से जस्ट रिवर क्रॉस करके 1 किलोमीटर पे है हमारा जैन टेंपल जहाँ के मैंने दर्शन किए। सेलानी टापू से जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा जैन मंदिर है सिद्धवरकोट, जो कि एक सिद्ध क्षेत्र है। तो मैंने यहाँ के भी दर्शन किए हैं। इट्स रियली फॉर्चुनेट कि मुझे यहाँ के दर्शन करने को भी मिले। ये बहुत बड़ा सिद्ध क्षेत्र है हमारा, इसका एक बहुत ही अच्छा इतिहास है और अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका पूरा इतिहास आपको यूट्यूब पे, गूगल पे सभी दूर मिल जाएगा। बहुत ही मैजिकल और चमत्कारिक मंदिर है ये। दर्शन किए मैंने यहाँ के। सो आफ्टर हैविंग अ गुड स्टे मेरा एक बहुत ही अच्छे टेंपल के भी दर्शन हुए को करके बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून मिला और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन जैन मूर्तियाँ हैं और फिर वापस से ब्यूटीफुल रास्ता जो है वो स्टार्ट हो गया एंड अब हम जा रहे हैं शिव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने ओमकारेश्वर। सावन का महीना चल रहा है और सेलानी जंगल रिसॉर्ट से बहुत ही नियर है ओमकारेश्वर, तो हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर के दर्शन करने। और मैंने तो फुल रास्ता इन्जॉय किया है और लोगों ने खूब सारी चाय पी, मस्ती की और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया वे को। एंड देन वे इन्जॉय करते करते हम पहुँच गए बहुत ही ब्यूटीफुल ज्योतिर्लिंग शिव जी का, दैट इज़ ओमकारेश्वर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, भीड़ थी, बट फॉर्चुनेटली हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए। और ये है ओमकारेश्वर का इवनिंग व्यू, आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी फॉरेन कंट्री भी इसे बीट कर सकती है, इतना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। और ये पूरा टेंपल से वीडियो रिकॉर्ड किया है हमने और हम लोगों ने शिव भगवान का आशीर्वाद लिया और सावन के महीने में शिव भगवान के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए जीवन में। तो इसी के साथ अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।